हम भारतीय जनता पार्टी को जिता के देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। इनके टारगेट में, जो विपक्षी दल इनके टारगेट में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ये रहता है। इन्होंने हमेशा पिछड़ों के साथ पाखंड किया है, दलितों को धोखा दिया है। जो पीडीए का नारा है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है, वो पाखंड, धोखा और अत्याचार है जो इन्होंने इन जातियों के साथ ये विपक्षी दल इंडिया अलायंस ने किया है। जनता की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, जनता की अदालत ने मोदी सरकार को चुना है। समाजवादी पार्टी ने संचालित किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया को संरक्षित करना है, उसको आगे बढ़ाना है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में 2014 से लेकर अब तक हमने पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के बारे में पूछा, हमने उसका जवाब दिया कि हमने हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के नियत के साथ काम किया है। बीते दस सालों में 14 से पहले का सीनियरी देखिए तो किस तरीके से केंद्र सरकार हर दिन नए घोटाले का एक बात उनके सामने आती थी, एक नया भ्रष्टाचार, हर समय एक नया स्कैम सामने आता था। लेकिन 14 के बाद से हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रही है, निष्ठा के साथ हमने जनता की सेवा के लिए काम किया है, इसीलिए जनता ने हमें चुना। देखिए, आप तमाम सम्मानित पत्रकार ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये हमेशा समाज के बीच में रह के समाज की उन्नति के लिए काम करते हैं। साल के 12 महीना, 365 दिन, 2400 घंटे भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में रहती है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम जनता के बीच में सरकार के बारे में की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएं, साथ ही साथ जो विपक्ष झूठ का और भ्रष्टाचार का पुलिंदा फैला रहा है उसके बारे में भी समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष आज मुद्दा विहीन है और समाज को भटकाने की, फिर से नाकाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन आज हमारी समाज जो है वो जागरूक है और वो विपक्षियों के तमाम हथकंडे को जानता है। देखिए, कोई कहीं भी एक्टिव हो, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्टिव है, जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और जनता पूर्ण बहुमत के साथ, यही जनता उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को जिता के देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी उसमें सबसे बड़ा किरदार किसी प्रदेश का होगा तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का। देखिए, आज जिस तरीके से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, मुद्दा विहीन विपक्ष हमेशा बिना वजह की बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन आज हमारी जनता सजग है, जागरूक है और ये जानती है कि इसी विपक्ष ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और भी कोई भी दल हो, जब ये सत्ता में रहे तो इन्होंने किस तरीके से जनता के साथ विश्वासघात किया, किस तरीके से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पोषित करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में ईमानदारी से जनता के विकास के लिए काम कर रही है और हमें लगता है कि हमारे काम पे जनता को भरोसा है, इसीलिए 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो या 2014 हो या आने वाला 2024 हो, हर चुनाव में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। ये केवल और केवल झूठ की और भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं और ख़ास तौर पे इनके टारगेट में, जो विपक्षी दल इनके टारगेट में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ये रहता है। इन्होंने हमेशा पिछड़ों के साथ पाखंड किया है, दलितों को धोखा दिया है और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया है। जो पीडीए का नारा है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है, वो पाखंड, धोखा और अत्याचार है जो इन्होंने इन जातियों के साथ ये विपक्षी दल इंडिया अलायंस ने किया है। तमाम लोग आज इनकी सच्चाई जानते हैं और कोई भी इनके गफलत में पड़ने वाला नहीं है। आज जनता के सामने इनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है, जनता ने अपना पूरा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना लिया है, जनता का जो विश्वास है वो मोदी सरकार पे है, मोदी सरकार की नीति और नियत पे जनता को पूरी तरीके से भरोसा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे टिप्पणी करना ये अपने आप में बताता है कि आज विपक्ष कितनी ज़्यादा हताशा में है। विपक्ष जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, जनता की अदालत ने मोदी सरकार को चुना है,
तो आप अगर मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो इसका मतलब है आप जनता के मत पर उंगली उठा रहे हैं। तो आप उंगली उठाइए, 2024 का चुनाव सर पे है, 4 तारीख को मालूम चल जाएगा कि जनता का साथ किस किस तरफ है और जनता ने अविश्वास किसकी तरफ जताया। जनता का साथ मोदी सरकार पे है और जनता पूरी तरीके से अपना अविश्वास इंडियन अलायंस गठबंधन पर जता रही है। गठबंधन की ये रैली भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है क्या, ये भी सवाल इंडिया अलायंस गठबंधन से हमारे तमाम देश और प्रदेश के लोग पूछते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बीते 10 सालों में पूरी ईमानदारी से प्रदेश और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हर जाति धर्म मजहब के लोगों के विकास को सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और मोदी जी के इन्हीं कामों के वजह से आज जनता के मन में मोदी जी के प्रति विश्वास है। ये विश्वास हमने एक दिन में हासिल नहीं किया है, बीते 10 सालों में पूरी ईमानदारी से जनता के बीच रह के जनता के विकास को सुनिश्चित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया मोदी जी के लीडरशिप में, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। आज देश का जन जन मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, खासतौर पर देश का जो पिछड़ा समाज है, हमारा दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, हमारी जो महिला समाज है, हमारा नौजवान है, उसको मोदी सरकार के नेतृत्व पर भरोसा है और देश में इन्हीं तमाम लोगों के बल पे फिर से तीसरी बार 400 पार के आंकड़े के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को 400 पार का आंकड़ा रहेगा हमारे पार्टी का और देश में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे। क्या इनकम, ये सवाल अब कुछ सवाल है जो जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी से जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या इनकम टैक्स का जो नोटिस दिया गया कांग्रेस पार्टी को वो सही है या गलत, क्या कांग्रेस पार्टी ने टैक्स की चोरी की है, ये देश की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछती है। देश की जनता फिर पूछती है कि कांग्रेस पार्टी बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, सपा ये बताए कि उनके समय में माफियाओं को संरक्षण क्या नहीं दिया जाता था, क्या उनके समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का एक स्कीम समाजवादी पार्टी ने संचालित किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया को संरक्षित करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो क्या इस पॉलिसी के तहत समाजवादी पार्टी ने हमारे प्रदेश के साथ धोखा नहीं किया क्या, ये बात समाजवादी पार्टी से हमारे प्रदेश की जनता पूछ रही है। क्या समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दिया क्या, क्यों समाज के साथ प्रदेश के साथ देश के साथ ऐसा धोखा समाजवादी पार्टी ने किया, ये भी सवाल समाजवादी पार्टी से हमारा समाज पूछता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।